बात कांग्रेस पार्टी की, जहां लगातार पर्यवेक्षकों के सामने हो रही नारेबाजी को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलकर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस एक है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दूसरों की बात करते हैं वे अपने को संभाले। वे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जब आदमपुर में उपचुनाव हुए थे तो वहां पर अनिल विज, चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत क्यों गायब थे। अब भले ही हुड्डा जी खुलकर अपनी बात रख रहे हो, लेकिन एसआर के खेमा तो यही कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है और लगातार गुटबाजी की खबरें भी सबके सामने हैं। एसआर के खेमा तो आलाकमान के दरबार में गुहार तक लगा चुका है। तभी हुड्डा जी सब ठीक है का राग अलाप रहे होंगे और वे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का चेहरा वो नहीं बल्कि पार्टी लड़ेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि विधायक जिसको चुनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। प्रदेश में मैं विधायक दल का नेता हूँ, जबकि सूरजभान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि प्रदेश के अंदर संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है, लेकिन पर्यवेक्षकों के सामने कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, तो हुड्डा जी का यही कहना था कि यहाँ कोई हंगामा नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता तो अपनी राय रखते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि रोहतक में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हुड्डा जी ये भूल गए कि अम्बाला की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहर तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठक संपन्न होने का दिखावा किया, लेकिन अंदर खाने गुटबाजी दिखाई दी, जहां पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ता यही कहता दिखाई पड़ा कि उनके नेताओं को कमान दे दी जाए। ऐसा दोनों ही खेमे के लोगों ने पर्यवेक्षकों से कहा। अब हुड्डा जी इन सब बातों को कहकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये तो सियासी जानकार समझ ही गए होंगे। लेकिन हुड्डा जी की बातें और उनका चेहरा तो यही दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा ने अपनी पार्टी में तो सब कुछ ठीक होने का दावा कर दिया, लेकिन वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में इस पार्टी ने कुछ नहीं किया जिसके आधार पर ये लोगों के बीच में जाकर समर्थन मांग सके। जब लोग रोजगार मांग रहे हैं तो ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट में गंभीर आरोप पर सवाल खड़े किए और कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी खेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। अब तो चार्जशीट भी लग गई है, आरोप भी सामने आ गए हैं जो बेहद गंभीर है, इसलिए मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।